अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। मैं आज थोड़ी सी डिस्कशन बात एक अपने वाले साहब की, उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की स्टोरी, उनकी स्ट्रगल, उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे उनकी ज़िंदगी के चैप्टर्स हैं जो मैं खोलूँगा, और क्योंकि मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, अभी भी मिलती है। बहुत कैसे कम लोगों को पता है कि अबू जो है ना, वो 4-5 साल से डायलिसिस पे थे। उनका किडनी फेलियर हुआ था और वो डायलिसिस पे जाते थे, वीक में 2 दिन होते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस पेन से गुजर रहे हैं और वो समझ सकते हैं, लेकिन कभी भी अबू ने आज तक, बिलीव करें 5 सालों में, आज तक ये नहीं कहा कि मुझसे मुझे पेन होती है, मैं बीमार हूँ और मैं जो है मुझे कुछ हो जाएगा। ही नेवर सेड। और उनको एक दफ़ा हमने, क्योंकि चलना मुश्किल हो गया था, वीकनेस हो गई थी, फिर 2 दिन वीक में डायलिसिस होते थे, और डायलिसिस में बहुत सारे आपने देखा होगा पेशेंट परेशान होते हैं, सेहत डाउन हो जाती है। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो उनको एक स्टिक लेके दी, मैंने कहा चेयर ले लें, कहते नहीं मैंने नहीं लेनी। इवन जब लास्ट कुछ मंथ से मेरे पास थे, मेरा बड़ा करीबी टाइम गुजरा आखिरी 2 महीने और उससे पहले भी, तो उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे पेन हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा। हमेशा एक बात की कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और उनकी जो बॉडी के अंदर विल पावर थी, डिटर्मिनेशन थी, जो कुव्वत थी, हिम्मत थी, ताकत थी काम करने की भी, लाइफ में उनके बड़े बड़े स्ट्रगल देखी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि जब वो उठते थे वॉशरूम के लिए, तो उनको यहाँ से फिसला लगा होता था, तो हमेशा यहाँ से पकड़ के उठाना पड़ता था। तो वो कहते थे नहीं, अब मैं वॉशरूम में खुद जाऊँगा। तो सडनली वो कोलैप्स किए, वॉशरूम से बाहर जब निकले, मेरे सामने थे, मेरे हाथों में थे, मैं उनको देख रहा था। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं मुझे पकड़ो, मैं खुद जाऊंगा, खुद अंदर आऊंगा। इतनी उनके अंदर डिग्निटी थी कि वो कह रहे थे कि मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। उनको पता था कि वो अंदर से वीक हैं, लेकिन जब वो बाहर आए, सडनली वो कोलैप्स किए, मैं उनको पकड़ा, बेडरूम पर डाला, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं सब पास मौजूद था। तो बेहोश हो गए, मैं भी बहुत शौक में था। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने CPR किया मुझे लिए, अपने वालिद को CPR करना बड़ा मुश्किल था, उनकी चेस्ट को दबाना, मैं बहुत पेन में था। तो 1.5 घंटा डॉक्टर्स, 3-4 डॉक्टर मिलके करते रहे, लेकिन दे सेड के वो पल्स लेस ही अपीयर हुए थे हॉस्पिटल में। तो मतलब उनको सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ था। और उससे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, अबू ने मुझे बिठा के तकरीबन 8 मुहर्रम को हम जब खाना अल्लाह की राह में देते हैं, न्याज बांटते हैं, तो 10th मुहर्रम का ऑर्डर दिया हुआ था कि 400-500 लोगों का खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। इवन कि वो बीमार भी थे, कहते नहीं खुद बनवानी है, खुद बंदे को ऑर्डर दिया, खुद सब कुछ प्रिपेयर किया। मैंने कहा वीक हैं, बीमार हैं, ना करें, ऑर्डर करें, हम जरा कूल डूड मुंडे, उन्होंने कहा फ़ोन कर लेते हैं, ऑर्डर देंगी, ऑर्डर हो जाएंगी। कहते नहीं, बंदे को बुलाया और ऑर्डर किया, और कहते हैं कि यार ये इतना चिकन हो, इतने चावल हो, मैं अपनी मर्ज़ी से बनवाऊंगा। तो लेकिन 9th मुहर्रम को, 8th ऑफ अगस्त को 9वां मुहर्रम था, और एक बड़ी शान वाला दिन था, अज़मत वाला दिन था। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया, उनके दिल में मोहब्बत थी अहले बैत की, हसन हुसैन की, फातिमा की, मेरे नबी की, और अल्लाह ताला ने उनको उसी दिन अपने पास बुलाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए दुआए खैर, मगफरत, उनके लिए माफ़ी, उनके लिए जितनी आपसे रिक्वेस्ट है कि करते रहें। और मैं उनकी बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स हैं लाइफ की जो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी इंस्परेशन है। जैसे उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में उन्होंने कहाँ पर नाम बनाया, कहाँ से निकले, क्या क्या सख्तियाँ, क्या क्या गर्मियाँ बर्दाश्त की। तो मैंने आखिरी जो साल है उनके साथ 6-6 घंटे बैठ के डिस्कशंस की हुई हैं, अपने वालिद साहब के साथ बैठ के ऐसी ऐसी बातें खोली, उनके अंदर से दिल से राज निकालने की कोशिश भी की। कहते तू बाज आ जा, तू इतना ना गल्ला इतना ना कराया कर, मेरे सिर में दर्द हो रही है। तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। और मेरे वालिद साहब के लिए स्पेशली अपने दुआ में याद रखना है। असूलों के पक्के थे, न डर थे, कहते थे अकेला लड़ूंगा लेकिन असूलों पे रहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।